श्रीनगर के बेमिना इलाके में हिफाजती दस्तों ने दहशतगर्दों की एक साजिश को नाकाम किया है। रेत के बैग में रखे गए 6 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। आपको बता दें कि रोड ओपनिंग पार्टी के जवानों ने कौमी शाहरा 44 पर एक डिवाइडर के पास रेत के बैग से रखे 6 ग्रेनेड बरामद किए हैं। ये सभी चीन में बने ग्रेनेड हैं। जवानों के सूझबूझ से बड़ी दहशतगर्दाना साजिश नाकाम हो गई है। वहीं पुलिस ने सभी ग्रेनेड अपने कब्जे में ले लिए हैं। और 1998 बैच की आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला को जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ का एडिशनल डिप्टी जनरल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रश्मि शुक्ला अभी तक सीआरपीएफ में एडिशनल डायरेक्टर साउथ जोन के ओहदे पर हैदराबाद में तैनात थी। महाराष्ट्र में सीआईटी महकमे की चीफ रहते हुए वो उस वक्त तनाजे में आ गई थी जब उन पर मुबैना तौर पर फोन टेपिंग और पुलिस एहलेकारों की पोस्टिंग से मुतालिक जानकारी लीक करने का इल्जाम आयद किया गया था। उनका कहना है कि डीजीपी की हिदायत के बाद कुछ फोन नंबर्स की निगरानी कराई गई। वाजे हो कि जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ में इस वक्त आला ओहदा संभालने वाली वो दूसरी खातून अफसर है। चारू सिन्हा इस वक्त इंस्पेक्टर जनरल श्रीनगर की जिम्मेदारी संभाल रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में जारी रेलवे प्रोजेक्ट्स का जायजा लेने के लिए वजीर रेल अश्विनी वैष्णव एक रोजा दौरे पर जम्मू पहुंचे। वजीर रेल अश्विनी वैष्णव सुबह 9 बजे जम्मू हवाई अड्डे से सीधे रियासी सेक्रेटेरिएट के लिए रवाना हो गए। रियासी में वो सेल्फ हेल्प ग्रुप और डीडीसी मेंबरान के साथ उन बैठक की उन्होंने। इसके बाद वजीर रेल ने रियासी में पैरा ओलंपियन राकेश कुमार से मिले और उन्हें एजाज से नवाजा। वजीर रेल दोपहर को कटरा पहुंचे और कटरा में रेलवे अहदेदारों के साथ उन्होंने बैठक कर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट का जायजा लिया। इसके बाद वजीर रेल अश्विनी वैष्णव ने माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन पर 2 नए प्लेटफॉर्म बनाए जाने के लिए संग बुनियाद रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार मुल्क की तरक्की को लेकर तेजी से काम कर रही है और जल्द ही ट्रेन से कश्मीर पहुंचने का ख्वाब पूरा होगा। के स्टेशन हो, जनता को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज मिले, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हो, वर्ल्ड क्लास ट्रेन चले, एकदम टाइम पे चले, फैसिलिटीज ऐसी हो जिससे कि आम जनता को हमेशा ऐसा लगे कि ये हमारा स्टेशन है, ये हमारी प्रॉपर्टी है और ये हमारा ही रेलवे है। सर, इसी क्रम में आज जो यहाँ पे प्रोजेक्ट का लगा है वो बेसिकली 2 नए प्लेटफॉर्म्स बनेंगे, एडिशनल फैसिलिटीज़ बनेंगी और यहाँ पर जो दूसरी समस्याएं लोगों ने अभी बताई है मुझे, उन समस्याओं पर भी मैं काम करूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाजी रफीक को दोबारा से अमीर कदल ब्लॉक का सदर मुंतखब कर लिया गया है। इस ओहदे के लिए दीगर उम्मीदवार भी मैदान में थे लेकिन पार्टी कारकुनान ने हाजी रफीक पर अपना एतमाद कायम रखते हुए उन्हें दोबारा मुंतखब कर लिया। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाजी रफीक को दोबारा से अमीर कदल ब्लॉक का सदर मुंतखब कर लिया गया है। यह उनके लिए बड़ी जीत भी है, खुशी है। इस ओहदे के लिए दीगर उम्मीदवार भी मैदान थे लेकिन पार्टी कारकुनान ने हाजी रफीक पर ही अपना एतमाद कायम रखते हुए उन्हें दोबारा से मुंतखब किया। बीजेपी पार्टी कारकुनान की जानिब से मरहूम टीका लाल टपलू की 32वीं बरसी के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश की गई। 1989 में दहशतगर्दाना हमले में टीका लाल टपलू शहीद हुए थे। उस वक्त वो कश्मीर यूनिट के नायब सदर हुआ करते थे। ताजे थी प्रोग्राम में सीनियर बीजेपी लीडरान के अलावा बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित भी शामिल हुए। वाजे हो कि 90 की दहाई में शहीद टीका लाल टपलू कश्मीर में बीजेपी का अहम चेहरा हुआ करते थे। ये दौर था जब वादी में दहशतगर्दी पीक पर थी और सियासी एतबार से बीजेपी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में लगी हुई थी। ताजियती प्रोग्राम में टीका लाल टपलू की सियासी खदमात पर
रोशनी डालते हुए मुकर्ररीन ने उन्हें कौम परस्त लीडर करार देते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू एंड कश्मीर हर एक डिस्ट्रिक्ट में आज एक डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं टिपलाल टिपलू के नाम से। टिपलाल टिपलू एक ऐसी हस्ती थी जिसके साथ मेरा पहला मुलाकात 91 में हुआ है। वो यहाँ बारसन की प्रेसिडेंट थी उस वक्त जब मैं उसके पास गया। दो चार बार मुलाकात करने के बाद मैंने उससे बात ये की कि यहाँ जनसंघ चल रहा है, ये जनसंघ क्या है। उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि जनसंघ क्या चीज़ है। लेकिन टिपलाल टिपलू जनसंघ का एक फाउंडर मेम्बर था। टिपलाल टिपलू के पास ये कभी नहीं आया कि ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये बौद्ध। वो एक इंसानियत के आधार पे काम करने वाला बंदा था। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर ओम प्रकाश खजूरिया ने पार्टी कारकुनान को सिक्योरिटी फरहम न कराए जाने पर यूटी इंतजामिया और मरकजी हुकूमत की तनकीद की है। जम्मू में सहाफियों से बात करते हुए खजूरिया ने कहा है कि सरकार आम आदमी पार्टी के लीडर को तहफ्फुज़ फराहम कराने में नाकाम साबित हुई है। खजूरिया ने आगे कहा कि गुज़श्ता दिनों राजौरी जिला सदर और पुंछ में पार्टी कारकुनान पर शरपसंदों की तरफ से हमला किया गया। पार्टी लीडरान को सिक्योरिटी फराहम कराए जाने का मुतालबा करते हुए खजूरिया ने आगे कहा कि शरपसंदों की कार्रवाई से कारकुनान खौफजदा नहीं है और पार्टी की मकबूलियत में लगातार इजाफा हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि बड़ी तादाद में दूसरी जमातों के लोग आम आदमी पार्टी में शामिल होने के ख्वाहिशमंद हैं। आज की जो प्रेस वार्ता आम आदमी पार्टी के कार्यालय में बुलाई गई है उसका मुख्य उद्देश्य आम आदमी पार्टी के जिला रजौरी के अध्यक्ष पे पिछली रात एक जानलेवा हमला हुआ। उनके घर के ऊपर पहले पत्थरों से हमला किया गया और मंशा थी, षड्यंत्र था कि उनको घर से बाहर निकलें और किसी भी किस्म का नुकसान वहां हो सकता था। आम आदमी पार्टी ये समझती है कि पिछले काफी अरसे से जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। एक बात तो ये भी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर खास करके पूंछ रजौरी के अंदर आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, इसलिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया। सरकारी नौकरियों और तालीमी इदारों में रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर जम्मू में अपनी पार्टी ओबीसी विंग कारकुनान ने पुरजोर एहतजाज किया है। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे मुजाहिरीन का कहना है कि मरकज की तरह जम्मू कश्मीर में भी सरकारी ओबीसी जुमरे के लोगों को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मुजाहिरीन का ये भी कहना है कि पहले रिजर्वेशन न दिए जाने के लिए 370 का बहाना बनाया जाता था। मुजाहिरीन ने आगे कहा कि 370 की मनसूखी के बाद दीगर तबकों की तरह जम्मू कश्मीर के ओबीसी को रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए। हमारा जो आज का मेन मुद्दा है वो 27% रिजर्वेशन हमें आज तक नहीं मिली, तो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जैसे पूरे देश में 27% मिल रहा है जहाँ भी लागू होना चाहिए। पर बदकिस्मती ये है जब से ये मोदी साहब आए हैं ये कहते हैं 370 है, तो 2 साल हो गए 370 हटे हुए, आज तक हमें इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो हम आज़ाद देश में ओबीसी वाले गुलाम लोग हैं, तो हम चाहते हैं हमें इसका हिस्सा मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा। यही कारण है कास्ट बेस ऐसे नहीं हो रही। हम चाहते हैं सबको हिस्सा दे दो। एससी को भी मिल रहा है, एसटी को मिल रहा है, ब्राह्मण को मिल रहा है, राजपूत को मिल रहा है, महाजन को मिल रहा है। हम पूछते हैं कांग्रेस से पूछते हैं हमारा ऐसा कहाँ है, बीजेपी से पूछते हैं हमारा ऐसा कहाँ है, एनसी से पूछते हैं हमारा ऐसा कहाँ रखा हुआ या बांट लिया और हमें लगा इन्हें सारा हिस्सा हमारा मतलब अपने कब्जे में ले लिया, हमें गुलाम बनाकर रखा। तो इस गुलामी के लिए मैं आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ जितने भी लोग हमारे ओबीसी के कांग्रेस में बैठे हैं, एनसी में बैठे हैं और बीजेपी में बैठे हैं, ये हमारा वाला करने वाले नहीं है। तो हम चाहते हैं इनको कह सकते हैं छोड़कर अपनी पार्टी में आए। और श्रीनगर के वहाबदीन साहब बिरूनी बची दरवाजा इलाके के लोग इन दिनों ड्रेनेज सिस्टम के ठप हो जाने से खासे परेशान हैं। लोगों का कहना है कि ड्रेनेज के जाम होने की वजह से पानी रास्तों के ऊपर से गुजर रहा है। बरसात के दिनों में हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। पानी भर जाने की वजह से पैदल चलना भी मुश्किल होता है। गंदगी की वजह से आने वाली बदबू में सांस लेना भी
काफी परेशानी का बाइस बनता है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि पिछले कई सालों से नाले की मरम्मत नहीं की गई है। रिहायशियों ने कहा है कि नाला बहुत छोटा है और अक्सर कचरे से पूरी तरह से बंद हो जाता है। लोगों ने कहा कि बारिश के दौरान नाला ओवरफ्लो भी हो जाता है, जिसकी वजह से आसपास के घरों में गंदा पानी घुस जाता है। इसके अलावा खानियार, बोहरी कदल, मखदूम साहा और आसपास के दूसरे इलाकों से सीवेज अक्सर नाले में रुकावट की वजह बनते हैं। वहीं नाले से आने वाली सड़ी बदबू को झेलना भी बहुत मुश्किल होता है। मकामी दुकानदार हिलाल अहमद सोफी ने कहा है कि हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये नाला पूरी तरह से ठसा हुआ है और लोग इसमें कचरा डंप करते हैं। ये नाले से ज्यादा कचरा डंप बन चुका है। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते, क्योंकि पानी भरने की वजह से सड़क पर चलना भी मुमकिन नहीं होता। हिलाल ने बताया कि हम अपनी शिकायतों के हल के लिए भटकते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम की मरम्मत करने की भी अपील की है। ये लिंक रोड जहां हम इस वक्त खड़े हैं, ये लिंक रोड है इस्लामिक कॉलेज टू मुखदूम साहब सुल्तान आरफीन। तो यहाँ हम इसलिए खड़े हैं कि यह हमारा मुतालबा है, ये जो ड्रेनेज है पिछले डेढ़ दो साल से ये पड़ा है ऐसे ही। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ कैसी ये बदबू ऊपर आती है, फ्लड आता है। यहाँ रास्ता चलने के लिए जगह नहीं होती है, छींटे आते हैं ऊपर से। यहाँ बड़ा दिन है, मेला लगने वाला है शनिचर से, यहाँ दिन बड़ा दिन है। तो हम गुजारिश करते हैं अल्लाह हुकाम से, या कंसर्न डिपार्टमेंट है जो इनका है, कंसर्न डिपार्टमेंट इसकी देख रेख करे। तो हम गुजारिश करते हैं कि आपकी वसाकत से कि यहाँ इसको ये देखें। तो एक डेढ़ साल हो गया इसको ये पड़ा हुआ। जनूबी कश्मीर के शोपिया जिले के साफा नगरी जैनापोरा गांव में वाटर सप्लाई स्कीम की तैयारी अब मुकम्मल हो चुकी है, जिसके बाद लोगों को पाइप से पानी मिलना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि लोग इस स्कीम के तवील अरसे से मुंतजिर थे, जिससे मकामी लोगों में खुशी का माहौल है। गांव के लोगों ने बताया है कि इस स्कीम को साल 1960 में शुरू किया गया था और तब से इलाके के लोग इसके पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद करीब 6 दहाई पहले इस स्कीम को मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन करीब 2 दहाई पहले इस पर काम शुरू किया गया था। काम पूरा हो जाने से इलाके के लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि पहली बार उनके घर के दरवाजे पर ही पीने का पानी मिल रहा है। इस बारे में मकामी फारूक अहमद ने बताया है कि गांव में पानी की किल्लत खत्म हो गई है और करीब 2 करोड़ के खर्च से बनी इस स्कीम को पूरा करने में अब इलाके के लोग खुश हैं इससे। उन्होंने कहा है कि ज्यादातर गांवों को पहले ही जोड़ा जा चुका है और बाकी हिस्से को जल्द से जल्द जोड़ा जाना चाहिए। इस स्कीम को पूरा करने और उन्हें राहत देने के लिए इलाके के लोगों ने जल शक्ति महकमे का शुक्रिया अदा किया। कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में आर्मी की तरफ से साही मेमोरियल हॉस्पिटल में मेडिकल और डेंटल कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप में सरपंच और आसपास के गांव के मकामी लोगों ने अपनी हाजिरी यकीनी बनाई और बच्चे खवातीन के साथ बुजुर्ग के मेडिकल जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा तवज्जो दी गई। कैंप में इलाके के लोगों ने मुफ्त में अपने दांतों की जांच करवाई और जरूरतमंदों को मुफ्त में दवाइयां भी दी गई। लोगों की जांच के लिए 4 आर्मी डॉक्टर और 1 डेंटल डॉक्टर मौजूद रहे, जिन्होंने तकरीबन 350 लोगों का चेकअप किया। जिन बच्चों और खवातीन में गिजायत की कमी है, उनके लिए क्लास का भी अहतमाम किया गया। इन सब के साथ साथ मकामी लोगों को कोरोना वायरस के तय बेदार भी किया गया। बहुत सारे लोग जो है यहाँ गुर्बत में डूबे हुए, उनको फ्री में यहाँ दवाई मिलना, इसका कितना शुक्रिया हम अदा कर सकते हैं, वो भी कम नहीं। तो हर साल ये मेडिकल कैंप जो यहाँ कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं कि यहाँ के आवाम जो है बहुत गरीब है। यहाँ की आवाम को जो सहूलियतें मिल रही है, इसलिए उसके वाले हम अपने इस यूनिट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आर्मी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आर्मी ने हर साल इसी तरह के यहाँ पर ये कैंप लगा रहा है। हमारे गांव में भी आई है पिछले साल, वहाँ भी लगाया सर। मैं पुष्पर ये 4 किलोमीटर दूर दूसरा पंचायत से, इनसे बहुत फ़ायदा हुआ, आर्मी का बहुत हेल्प है यहाँ पर। आर्मी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये कैंप हो रहा है, ताकि गरीब आवाम है उनको फायदा, बहुत खुश है। 56 RR की बहुत खुश है। कोविड में इन्होंने बाकी मामलों में भी बहुत सपोर्ट किया। गांधरबल के शुहामा में SSP 13वीं बटालियन
डिग्निबल की जानिब से एक मेगा मेडिकल कैंप डिस्ट्रीब्यूशन कैंप का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल में मुनक्किद कैंप में बड़ी तादाद में बुजुर्ग बच्चों और मकामी नौजवानों ने शिरकत की है। इस कैंप में फ्री मेडिकल चेकअप और दवाएं तकसीम करने के अलावा मौजूदा डॉक्टर्स और SKU AST के वेटरिनरी सलाहकारों ने मवेशियों की भी जांच की और जरूरी दवाएं तकसीम की। इस मौके पर कमांडेंट 13 BN SSP अजीत सिंह राठौर बतौर मेहमान खसूसी शामिल हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि कैंप को मुनक्किद करने का मकसद मकामी लोगों के साथ बेहतर तालमेल कायम कर उनमें तहफ्फुज़ का एहसास पैदा करना और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है। इस मौके पर मकामी लोगों से कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे के पेश नजर सरकार की जानिब से जारी हिदायत पर अमल करने की भी अपील की गई।